निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने जिला प्रशासन की ऐतिहासिक कार्रवाई के बाद अब अभिभावक भी हिम्मत जुटाकर सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात जबलपुर की करें तो यहां हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 11 निजी स्कूलों के विरुद्ध अभिभावकों से की गई अतिरिक्त 81 करोड़ रुपए की स्कूल फीस वापस करने और नई संशोधित स्कूल फीस को लागू करने के आदेश जारी किए गए थे, जिस पर अमल करने निजी स्कूलों को निर्धारित समय दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद अभिभावक उसे अमली जामा पहनाने के लिए प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। जबलपुर में संचालित सेंट अलोसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ भी तमाम अभिभावकों ने आज प्रशासन के आदेश पर अमल करने की मांग की और स्कूल के मुख्य द्वार पर हंगामेदार प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने मांग की कि जिस प्रकार के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं उसे पर जल्द से जल्द अमल किया जाए और जो मोटी रकम फीस के रूप से हम लोग यहाँ सारे पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी फीस में परिवर्तन बताया गया था, लेकिन स्कूल प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ टालते जा रहे हैं। 10 दिन 15 दिन उनका बिल्कुल मन नहीं है कि फीस कम करी जाए। वो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और हम सब सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए कि हम चाहते हैं कि जो फीस का बर्डन है वो कम हो, जो वास्तविक फीस है वही ली जाए। अभी उनसे हमारी ये बात हुई कि उन्होंने फिर हमें टाइम दिया कि आप 22 जुलाई को आइए, हम हमारे मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमने बोला है कि आप अपने मैनेजमेंट के जो भी कोई है उन्हें यहाँ बुलाइए, ऐसे रोज़ रोज़ हम सब भी कैसे इकट्ठा होंगे। पर वो बस वही 22 तारीख को बोले हैं, तब भी इतना बोले हैं कि 22 तारीख को हम पूछ के बताएंगे उनसे क्या हुआ है। स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है कि आपके बच्चे एग्जाम देंगे, हम रिजल्ट भी देंगे, पर फीस के विषय में वो बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ गोल गोल कर रहे हैं। अलका नरेंद्र चंदेल। फीस को कम करवाने के लिए आए हैं स्कूल में। हम चाहते हैं जो शासन द्वारा निर्धारित की गई है फीस वो शीघ्र अतिशीघ्र स्कूल में ऐप में भी दर्शाई जाए और स्कूल में भी लागू की जाए, और जो हमारी फीस पहले की ली गई है जो अवैध है वो हमें रिटर्न की जाए, उसके भी हमें बारे में बताया जाए कि वो फीस हमें कैसे रिटर्न की जाएगी। अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी हमें कोई जानकारी भी नहीं दी गई है कि ये लोग फीस कब कम करेंगे और शासन द्वारा जो निर्धारित कर दी गई है गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग ये फीस कब देंगे हमारी वापस। मेरा नाम है प्रिया शिवारी। कल हमको डीओ ऑफिस से आदेश जारी किया गया है कि नया फीस नए तरीके से जो उन्होंने अभी फीस डीओ साहब के द्वारा या कलेक्टर के द्वारा जो दिया गया है उसके संबंध में बातचीत करने के लिए उन लाए थे, तो हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं उसके आधार पर। तो हमको यहाँ डी ऑफिस से जो कल मिला है उसमें दिया गया है कि 15 दिन का कार्य दिवस के भीतर हमें इसके विरुद्ध अगर हमें कुछ अपील करना है, हमें अपील करने का अधिकार दिया गया होगा। आदेश ने कलेक्टर का आदेश नहीं आया, मतलब डी ऑफिस हमको लेटर मिला गए, उसमें आदेश मिला गया कि इस पिछले 5-6 साल से जो फीस हमने लिए हैं उनके तहत ये हमने अधिक लिया है। लेकिन हमारे तहत हमका मालूम है हमने नियम के आधार पर जितना 10% जो वृद्धि होना आ गए हर साल फीस उसके आधार पर ही लिए गए। और दूसरी बात यह है कि हम उनके हिसाब से उनके बेस ईयर मान रहे हैं कोरोना काल का, तो कोरोना काल में सभी स्कूल में आदेश दिया गया था, हमको ऊपर से ही आदेश था, ऊपर से मतलब शासन की ओर से आदेश था कि केवल ट्यूशन फीस की लिया जाए, अन्य फीस नहीं लिया जाए। तो हमने इसलिए केवल उस साल के लिए कोरोना साल के लिए केवल ट्यूशन पे लिया गया, तो वो उस फीस को हम लोग नहीं मान सकते, वो बेस ईयर, लेकिन उन्होंने उसका माना है। तो उसके आधार पर उन्होंने जो नए तरीके से जो फीस का निर्णय किया है तो उसका आधार पर हमें करीब 8 करोड़ के आसपास हमें वापस करने के लिए दिया, हमको इन्हें बताया गया आगे। और उसके साथ साथ इस नए सत्र में भी उसके आधार पर फीस लेने के लिए मैं बताया गया है। तो हम उसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग हमें यहाँ 15 दिन का समय उन्होंने खुद दिया गया, आप उसके पहले आप अपील कर सकते हैं। हम उनके बात का हम लोग सम्मान करते हैं, कलेक्टर साहब का और डीओ साहब का, हम उनका बात का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उसी समय हमारा भी अधिकार है अपना पक्ष रखने का कोर्ट में। तो उसके तहत हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। तो अभी मैंने उनका वही उत्तर दिया है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि तब तक हम फीस नहीं पटाएंगे, और उसके लिए मैं उनका 22 तारीख बुलाया हूँ। इसका उनका कहना है कि जो नया फीस जो निर्णय किया गया है हम उसी को पटाएंगे, हम बाकी फीस हम लोग नहीं पटाएंगे।
तो हमारा कहना है कि आप पूरा फीस पटाओ, जिस दिन कोर्ट से आदेश आएगा अगर हमारा खिलाफ आता है, आपने जो फीस पटाया है हम उसको वापस करेंगे। अगर उन्होंने उनका कहना है कि नहीं हम जो ले रहे हैं यानी मतलब यानी पूरा फीस हम जो ले रहे हैं वो अगर गलत है और कोर्ट से अगर हमारे विरुद्ध आदेश आता तो हमको तो कोर्ट का हमको पालन करना ही पड़ेगा। हम उनका बताए ना, अभी आप आपके बच्चों का अभी कल से उनका यानी पेपर है, तो हमने ये भी कह दिया कि कोई भी बच्चों को रोक नहीं दिया जाएगा, सभी बच्चे एग्जाम लिखेंगे, सबका जो यानी मतलब रिजल्ट भी दिया जाएगा वो तो नहीं रोका जाएगा। तो हमने उनको बता दिया, हमने ये नहीं बोला कि आपको फीस कल आपका पठाना ही है, हमने नहीं बोला, हमने दिया कि सभी बच्चे आके एग्जाम लिखेंगे, उनका रिजल्ट भी दिया जाएगा। निर्णय जब हमारा समिति, हमारा भी समिति है, हमारे संस्था का समिति है,